गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम मैक्सिमा मिनिमा से जुड़ी हुई कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। एक प्रॉब्लम हमने लिखी हुई है, ये 27th प्रॉब्लम है हमारी एक्सरसाइज 6.5 से। प्रॉब्लम है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू 0.05। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक पैराबोला से एक पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y एक पैराबोला है और ये एक अपवर्ड पैराबोला है, तो यहां इस पैराबोला पर कोई पॉइंट होगा जो 0.5 से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो xy पॉइंट है। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, गिवन पॉइंट 0.5। तो हम इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो इनकी डिस्टेंस है एस, तो एस क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस जीरो स्क्वायर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा। अगर हम इसी समय इसका डेरिवेटिव ले लें तो हमें स्क्वायर रूट्स में डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। कैलकुलेशन हमारी आसान रहे इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इस फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं। अगर एस मैक्सिमम है या मिनिमम है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी उसके अनुरूप ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। इफ एस इज मिनिमम देन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर को एक नया नाम दे दें, मान लेते हैं जेड, विल ऑल्सो मिनिमम। तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। और जेड होगा क्या, जेड होगा एस स्क्वायर के इक्वल, और एस स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर। लेकिन जो ये हमारा फंक्शन बना है जेड, यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है, और हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एक ही वेरिएबल में हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो जो आसान वेरिएबल है यहां पर बदलने के लिए, क्योंकि जो पॉइंट है वो ऐसा है जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2y है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह 2y यूज कर लेते हैं। तो जेड जो फंक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर की जगह 2y यूज करा, 2y प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर होगा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है प्योरली एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जेड की मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू मिनिमम जब होगी तो उस समय इसका डेरिवेटिव डी जेड ओवर डी वाई 0 होगा, और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिलहाल हम डी जेड बाई डी वाई 0 फाइंड करते हैं और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे कि डी टू जेड डी वाई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। तो डी जेड बाई डी वाई की बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो 2y का जो डेरिवेटिव है वो 2 होगा, y के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। y माइनस फाइव का जो स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू वाई माइनस फाइव। अब y माइनस फाइव का डेरिवेटिव फिर जब लेंगे दैट विल बी 1। तो ये है डी जेड ओवर डी वाई। इसको हम 0 के इक्वल फाइंड कर लेते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो डी जेड ओवर डी वाई को जब मैं 0 रखता हूं तो मुझे मिलेगा 2 प्लस
2y माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि 2y इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी कि 8, 2y 8 के इक्वल है, यानी कि y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो z की वैल्यू या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, लेकिन उस समय होगी जिस समय y 4 है। अब इसको हम कंफर्म करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, जो हमारा dz by dy आया है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव होगा, 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू वाई माइनस 5 का डेरिवेटिव लेना है, 2 कांस्टेंट है और y माइनस 5 का डेरिवेटिव फिर लेंगे, दैट विल बी 2, और 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब z इज मिनिमम। z कब मिनिमम है? जब y 4 है, और जिस समय y 4 है उस समय x कितना है? तो देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2y है तो एक्स स्क्वायर उस समय हो जाएगा 8। जब एक्स स्क्वायर 8 है तो उस समय x की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 होनी चाहिए, हमें यह भी कंफर्म कर लेना चाहिए। तो यानी पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे, तो पॉइंट्स में भी एक होगा 2√2 और 4, दूसरा पॉइंट होगा माइनस 2√2 4। लेकिन अब हमें यह भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दोनों पॉइंट इस कर्व पर लाई भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट होना चाहिए जो कि 0.5 से नियरेस्ट हो। एक बार इसको चेक करने के लिए हम इसका ग्राफ देख लें। जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का कुछ इस तरीके का होगा। तो जो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 2√2 और 4, तो मान लेते हैं यहां वो पॉइंट है 2√2 4, और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू माइनस 2√2 है, y अभी भी 4 है, तो माइनस 2√2 4 को यहां पर होगा। और 0.5 कहां होगा? 0.5 y एक्सिस पर, तो मान लेते हैं 0.5, क्योंकि यहां पर हमने 4 लिया है तो 0.5 यहां होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। अब हमारा ऑप्शन का ये क्वेश्चन है, हम अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो दोनों ही आंसर हम लिख देंगे, अगर एक ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है तो हम एक ही आंसर लिख देंगे। अब अगला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो अगला क्वेश्चन है 28th में मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन है y माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, 0 के इक्वल रखना है, और वो उसकी हेल्प से हमें वो पॉइंट भी मिलेगा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू या फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, dy by dx 0 तो होगा ही होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर ये मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के यूज अगर हम करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमें लगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी हेल्प ले लेंगे। फिलहाल हम dy/dx फाइंड करते हैं। तो यहाँ अगर dy/dx की बात करें
तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का 1 माइनस, तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। फिर हम माइनस साइन लगाएंगे और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। अब डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x क्यूब। डिवाइड हम कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर्स। अब इन लाइक टर्म्स अगर हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, जैसे माइनस 1 और माइनस 1 दो टर्म कांस्टेंट हैं, ये माइनस 2 होगा। अगर हम x वाली टर्म्स की बात करें, माइनस एक्स प्लस एक्स ये दोनों टर्म्स का सम 0, 2x और माइनस 2x का भी सम 0, 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब का सम भी 0। अब मेरे पास जो टर्म्स बच रही हैं वो टर्म्स बच रही हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 0, सिर्फ एक ही टर्म बचती है और वो 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये dy बाई dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हम dy बाई dx फाइंड कर चुके हैं, dy बाई dx को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो जब मैं dy बाई dx को 0 के इक्वल रखूंगा तो ये फ्रैक्शन ही 0 के इक्वल होगा, और कोई भी फ्रैक्शन अगर 0 के इक्वल है तो उसका मीनिंग है कि उसका न्यूमरेटर ही 0 है, यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही 0 होगा। और इसका मीनिंग होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है, यानी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 0 है। इससे मुझे x की दो वैल्यूज मिलती हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो ये दो वैल्यूज हैं जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम है किस पॉइंट पर मिनिमम है, इसका पता या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लग सकता है। अगर मैं यहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करता हूं तो शायद हमें समय ज्यादा लगे, तो यहां हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पर dy बाई dx को हम दोबारा लिखते हैं और फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो dy बाई dx फैक्टराइज फॉर्म में है वो है 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको याद होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि जो पॉइंट्स आते हैं उनके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम फंक्शन के साइन चेक करते हैं कि इसके साइन कैसे हैं। फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1 dy बाई dx फाइंड करते हैं जब वैल्यू x की माइनस 1 से कम है, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव रहना ही है। अब x की वैल्यू माइनस 1 से कम है, सपोज हम माइनस 1.5 यूज कर लें, तो माइनस 1.5 माइनस 1 एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, माइनस 1.5 प्लस 1 ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है,
ये दो नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। और dy by dx की वैल्यू अगर माइनस वन के राइट साइड में अगर हम चेक करें, माइनस वन से आगे जाकर चेक करें, तो ये वैल्यू आएगी माइनस वन से राइट साइड में। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे जीरो हम यूज कर लें, जीरो माइनस वन एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, जीरो प्लस वन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना, यानी कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो x इक्वल टू माइनस वन पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पहले पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव हुआ, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, बाद में डिक्रीज करने लगा, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू माइनस वन, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देयरफोर वी कैन से x इक्वल टू माइनस वन इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और वैल्यू कितनी है एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज y हमारा था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 और 1 x की जगह हम माइनस 1 यूज कर रहे हैं प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई है 3। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो वैल्यू आ रही है 3। अब बात करते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू की, वो कितनी होगी। अब x इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें, फॉर x इक्वल टू 1 dy by dx हम फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू 1 के पहले लेफ्ट साइड में हम वैल्यू देखेंगे dy by dx की वैल्यू, जब x 1 से कम है उस समय, सपोज x 0 है तो 0 होने की स्थिति में 0 माइनस 1 एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा, 0 प्लस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ही डिनोमिनेटर, यानी कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी। उसके बाद में dy by dx की वैल्यू माइनस वन के राइट साइड में 1 प्लस एच पर, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो x माइनस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, x प्लस 1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, नीचे तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो यानी dy by dx अगर x इक्वल टू 1 की बात करें राइट साइड में पॉजिटिव है, तो यानी x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पहले नेगेटिव था और बाद में पॉजिटिव हुआ, यानी x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू इज y इक्वल टू 1 माइनस x, x की वैल्यू 1 हमने ले रखी है, x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही होगी, और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1 बाई 3। तो मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं दैट इज 1 बाई 3, और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे दैट विल बी 3। तो इस तरीके से कई बार जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हैं वो भी यूजफुल हो सकता है। हमें हमेशा समय को बचाना है कि कम समय में हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6.5 से लास्ट प्रॉब्लम है, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, पावर 1 बाई 3 है, ये मान लेते हैं इस फंक्शन का नाम fx। इस फंक्शन की
इस क्लोज इंटरवल 0-1 में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके लिए फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, तो ये होगा 1/3 इंटू एक्स माइनस 1+1 पावर होगी -2/3। 1 में से 1/3 को माइनस करें। अब डिफरेंशिएशन भी करना है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम एक्स एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा। अब x माइनस 1 को एज इट इज लिख लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हुआ 1/3 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर -2/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x-1, यानी सिंप्लीफाइड वे में एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं 2x-1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर 2/3। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो फाइंड के इक्वल रखते हैं। एफ डैश एक्स को जब मैं जीरो के इक्वल रखूंगा, जब भी किसी फ्रैक्शन को हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो उसका न्यूमरेटर ही जीरो होना चाहिए, यानी 2x-1 ही जीरो होगा, यानी x=1/2। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है। हमें यह भी चेक करना है कि यह क्रिटिकल पॉइंट हमारे दिए हुए इंटरवल में भी होना चाहिए, तो ये पॉइंट इस दिए हुए इंटरवल में है। तो अब हम तीनों ही पॉइंट्स पर, जीरो पर, वन पर और 1/2 पर, तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू होगी 0 × (0+1)/3, यानी 1³√1, यानी कि 1। फंक्शन की 1/2 पर भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये होगा 1/2 × (1/2−1)+1)/3। इसको हम और सॉल्व कर लें तो 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे -1/2 होगा, −1/2 × (1/2+1)/3, 1 − 1/4, यानी 3/4 पर पावर 1/3। अब फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू है, तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू है 1 − 1 जीरो है, तो 0+1 पावर 1/3। तो फंक्शन की हमने 0 पर, 1/2 पर और 1 पर तीनों जगह वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसमें से हम बता सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू सबसे कम कब है, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि जो वैल्यू मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू है 3/4 raised to power 1/3। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 6.5 की प्रॉब्लम्स थी। हम मैक्सिमा मिनिमा के सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के पूरे कर चुके हैं। अब आप लोग जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको ज़रूर कर लीजिए, उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें जो हमारे पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रॉब्लम आपको शुरू में भी हमने बताया था, 6 नंबर की प्रॉब्लम हर पेपर में पूछी जाती है, आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी रखें। आज के लिए इतना।